होली के त्योहार के दिन छाया मातम। पारिवारिक कला से पति पत्नी ने लगाई फांसी, पत्नी की हुई मौत। पति को किसी तरह ग्रामीणों ने बचाया, पति की हालत हुई गंभीर, इलाज जारी। सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर रहे मौजूद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना रामगांव अंतर्गत धर्मकुंडा गांव की घटना। बहराइच पुलिस द्वारा थाना रामगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धर्मकुंडा में पति पत्नी द्वारा फांसी लगाने की घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अशोक कुमार की खास पेशकश। हमारे संवाददाता लड्डन खान की रिपोर्ट। आज शाम को थाना कोतवाली क्षेत्र में सूफीपुरा में लड़कों का दो गुट है, उसमें आपस में मारपीट हुई है, जिसमें तीन लड़के सार पिंजरी को आई है छोटे। शिवेंद्र सिंह, सनाफ महेंद्र प्रताप सिंह, जेपी यादव और दुर्गेश सिंह, ये तीन लड़के हैं, उनको सार पिंजरी आई हुई है। तीनों खतरे से बाहर हैं। एक दो को हल्की चोटें हैं, एक को बहुत ज़्यादा चोटें हैं। पूरे घटनाक्रम के एनालिसिस करने में पता चला कि आशीष सिंह, कार्तिकेय सिंह, ऋषभ पांडे और शांत अग्रवाल, ये चार लड़के थे। आशीष सिंह की फेसबुक पर कुछ पर्सनल कमेंट लोगों ने किया था, इसी बात को लेकर के आशीष सिंह ने उनको अपने घर बुलाया था। ये सब कर गए थे। वहीं किसी बात को लेकर के इसी बात पर बातचीत के दौरान उसमें आशीष ने इसे चाकू के बारे चाकू से बात किया है। तीन लड़के घायलों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी दे गई है। आशीष सिंह ने इत्यादि के परिजनों को उठा करके पूछताछ की जा रही है। उसी में उनकी गिरफ्तारी के साथ करीब 10 शुरू हुई थी। आज किसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ, जिससे कि दोनों ने ही फांसी लगा ली है। इसमें गुट्टी की मृत्यु हो गई है और उनके जो पति रिंकू हैं उन अस्पताल में उपचाररत हैं। मृतका के शव का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके की शांति व्यवस्था बनी हुई है। उसके पति जो हैं खतरे से बाहर हैं और उनकी भाई की सूचना पर इस पत्र में जांच की जा रही है कि ऐसा किन परिस्थिति में हुआ और उचित वैधानिक कार्रवाई।